Hello friends, good morning. I am Balram Chaurasia Lodge. You all are welcome in BL Knowledge Point. Please subscribe my channel and share to your friends and get a lots of benefits. It is purpose of our working. मित्रों कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे फॉर्म क्लासेस वर्ड, उसी में हम लोग मॉर्फेम पढ़े थे। मॉर्फेम को दो पार्ट किए थे, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स के यूज से कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स का निर्माण कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है प्रीफिक्स को यूज करके वर्ड कैसे बनाते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रीफिक्सेस इन इंग्लिश हैव बीन बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। हमारे भारत के भाषा में, इंग्लिश में जो उपसर्ग है उसमें से अधिकांश उपसर्ग लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जैसे देखिए, ए, ए मतलब होता है ऑन, और ए जोड़कर देखिए अस्लीप बना, अशोर बना, एसाइड बना, अवे बना। अस्लीप मना होता है, अस्लीप मना सोना, और अस्लीप का मतलब हुआ सोया हुआ, अशोर हो गया स्थल पर। अब देखिए एंटे, एंटे को जोड़ के इसका होता है विफोर, एंटे मतलब विफोर। जैसे एंटीडेट, एंटीसीडेंट मतलब डेट के पहले या फिर कहानी के पहले या पूर्व वृत्तांत। देखिए एंटी मैंने होता है अगेंस्ट, एंटी मैंने अगेंस्ट मैंने विरुद्ध। जैसे एंटीडोट, एंटी इंडियन, एंटी सोशल। एंटीडोट का मतलब अति घृणा, या एंटी इंडियन मतलब जो इंडिया के खिलाफ हो। अब देखिए सरकम, सरकम का मतलब होता है, सरकम का अराउंड, इसका मीनिंग होता है अराउंड मतलब चारों तरफ के आसपास। जैसे सरकमफेरेंस, सरकम टेंसेज, सरकम स्क्राइब। देखिए परिधि या दायरा, इसका हिंदी भी आप लिख लीजिएगा। उसी तरह को, को जो है को मतलब विथ होता है, को किसी शब्द के पहले ऑपरेट के पहले देखिए जोड़ के को ऑपरेट बन गया, ऑर्डिनेट के पहले को ऑर्डिनेट बन गया, को एग्जिस्टेंस बन गया। ये सभी वर्ड्स आप देखते हैं, लेकिन शायद इसको ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि इसके पहले प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। देखिए डी, डी मतलब डाउन, और डी को जोड़कर डी थ्रोन बन गया, डिफेम बन गया, डेमो डेमोरलाइज बन गया। ये सब तो वर्ड्स आप सुने हैं, सब देखिए कैसे बना हुआ है। देखिए डेमी मतलब होता है हाफ, जैसे डेमी गॉड मतलब अर्ध देवता, डेमी ऑफिशियल। देखिए डिस मतलब होता है अपार्टमेंट अलग, जैसे डिसकनेक्ट कट जाना कनेक्शन, डिसकॉर्ड हो गया असहमति, डिसऑर्गेनाइज हो गया। इक्वी, इक्वी मतलब होता है इक्वल माने बराबर। इक्वी को जोड़ के देखिए कैसे इक्विलिब्रियम बन गया, इक्वी डिस्टेंट बन गया, इक्विवेलेंट बन गया। तो इसी तरह से आप प्रीफिक्स को वर्ड्स के पहले, जैसे डिस्टेंट के पहले इक्वी जोड़ दिए, या लिब्रियम के पहले इक्वी जोड़ दिए आप। देखिए आप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बियॉन्ड होता है, एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त। जैसे देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, ये एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के ऑर्डिनरी में कैसे बना है देखिए। उसी तरह इन, इन को जोड़ के इन इनडिसिडेंट बन गया, इनविजिबल बन गया, इन नेग्लिजिबल बन गया। ये देखिए इंटर, इंटर मतलब बिटवीन मतलब बीच में, के बीच में। जैसे देखिए इंटरनेशनल, इंटर कास्ट। उसी तरह इंट्रा को जोड़ के, इंट्रा मतलब विद इन होता है, इंट्रावेनस हो गया, इंट्रा मस्कुलर हो गया। देखिए मिस, मिस मैंने ये लिया इरर त्रुटि, जैसे देखिए मिस चिप हो गया, मिस रूल हो गया, मिसलीड हो गया। उसी तरह प्री को जोड़ के, प्री माने होता है बिफोर माने पहले, प्री डेट हो गया, प्री वार हो गया, प्री पोस्ट हो गया, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, जैसे पोस्ट डेट पोस्ट वार होता है, इसको जोड़ के बना सकते हैं आप। उसी तरह आप देखिए प्रो को जोड़ के, प्रो मतलब होता है फॉर माने के लिए, जैसे प्रो अमेरिकन, प्रो चांसलर, प्रो कम्युनिस्ट, मतलब प्रो माने अमेरिका के लिए। देखिए री मतलब होता है अगेन दोबारा, री राइट हो गया, री रीड हो गया। सब मतलब होता है अंडर के अधीन, जैसे सब कॉन्शियस हो गया, जैसे सब कास्ट हो गया, सब जज हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया। ट्राई मतलब होता है थ्री मतलब तीन, ट्राई कलर हो गया, ट्राइंगल हो गया। जैसे देखिए अन मतलब होता है नट, जैसे अननेचुरल जो प्रकृति न हो, अनेबल हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। वाइस मतलब होता है इन प्लेस ऑफ मतलब के जगह में, जैसे देखिए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस एडमिरल, वाइस वाइस रॉय, देखिए उप भी कह सकते हैं आप।
अब उसी तरह वर्ड फॉर्मेशन, आप सफिक्स को, सफिक्स क्या होता है, वर्ड्स के लास्ट में जुड़ते हैं। तो देखिए सफिक्स को जोड़ के कैसे वर्ड बनाते हैं, जैसे देखिए नाउन सफिक्स, जो नाउन सफिक्स वैसे सफिक्स जो जुड़ के नाउन बनाते हैं उसको नाउन सफिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हृदय को उद्भिगना या भाव को प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं वो इस तरह के सफिक्स से जुड़ के बनते हैं। जैसे एज, देखिए एज को लास्ट में दे दीजिए, देखिए एज यहाँ पे जुड़ गया, बैग में एज जुड़ गया, बैगेज बन गया, माइल में एज जुड़ गया, माइलेज बन गया, बॉन्ड में एज जुड़ गया, बॉन्डेज हो गया। देखिए वन एंस, एंस लास्ट में, देखिए अबंडेंस, ऑब्जर्वेंस, एंस देखिए लास्ट में जुड़ा है, अवॉयडेंस, इसका अर्थ भी बदल जाता है, बदल जाता है, देखिए बहुलता हुआ इसका। काई या की पढ़ते हैं इसको, सी पढ़ते हैं, ल्यूनेसी, ल्यूनेसी या एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी, ये सभी वर्ड्स आप सुने हैं। देखिए ध्यान करिए इसको, लास्ट में देखिए सफिक्स कैसे जुड़ा है इसमें, सी वाई। उसी तरह डॉम, जैसे फ्रीडम, ओ एम जुड़ा, देखिए विजडम हो गया, किंगडम हो गया, मार्टिरडम हो गया। देखिए हुड, हुड जोड़ के जैसे चाइल्डहुड, मैनहुड, नेबरहुड, बॉयहुड, देखिए लास्ट में हुड जुड़ा हुआ है। तो ये सफिक्स जोड़ के वर्ड्स बनते हैं ऐसे। आई एन जी, देखिए रीडिंग हो गया, आई एन जी जुड़ गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, तो ये किसी न किसी रूप में कार्य को दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। वैसे नाउन जिसमें आई एन जी जुड़े रहते हैं और कार्य का बोध कराते हैं उसको वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे कि आई ओ एन, आई ओ एन जोड़ के एक्शन, आई ओ एन जुड़ के लास्ट में, देखिए एक्सप्रेशन, आई ओ एन लास्ट में जुड़ा, देखिए रेडिएशन, आई ओ एन लास्ट में जुड़ा। आइस, कोवार्डाइस, देखिए सर्विस, आई सी जोड़ में प्रैक्टिस। तो इस तरह के सफिक्स जोड़ के हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में फिर देखते हैं, आई एस एम, आई एस एम जोड़ के देखिए कैसे, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, पैट्रियोटिज्म हो गया, मेंट, मेंट देखिए लास्ट में जोड़ के, मेंट ये पनिशमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, आर्गुमेंट हो गया, नेस जोड़ के, नेस जोड़ के काइंडनेस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, डार्कनेस हो गया। शिप में देखिए फ्रेंडशिप हो जाएगा, वर्कशिप हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगा, स्कॉलरशिप हो जाएगा, इस तरह से देखिए। और टी एच जोड़ के हेल्थ हो गया, देखिए टी एच जुड़ा, वेल्थ हो गया, विड्थ हो गया, बर्थ हो गया, डेथ हो जाएगा। ट्यूड जोड़ के देखिए लॉन्गिट्यूड, TUD देखिए जुड़ा है, और उसी तरह इसमें ट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। टी वाई टाई, जैसे लवेलिटी, टी पढ़ते हैं इसको, रियलिटी या क्रुएल्टी या डिग्निटी, देखिए टी वाई लास्ट में जुड़ा हुआ है। उसी तरह वाई जोड़ के जैसे इन भी, मेमोरी, स्टडी, ये रिमेडी। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, देखिए कॉन्क्रीट नाउन जिसका गिनती उनती हो सकता है उस तरह से देखिए, कॉन्क्रीट जैसे ए आर डी जोड़ के कोवार्ड, ड्रंकार्ड, ये ड्यूलार्ड हो गया। देखिए ए टी ई या डबल ई जोड़ के कैसे बनता है, एडवोकेट, ए टी ई जुड़ा हुआ, देखिए मैग्नेट, एग्जामिनी, डबल ई जुड़ गया, पे ई हो गया, डबल ई जुड़ के। इसी तरह ईरर, ईर या और, ई आर या ओ आर, जैसे स्पीकर, ई आर देखिए राइटर या स्कॉलर, ओ आर जुड़ के बना है। तो इसी तरह से वर्ड्स का निर्माण हुआ है। आई एस टी जोड़ के देखिए नोवेलिस्ट, डेंटनिस्ट, आई एस टी जुड़ा है लास्ट में। तो इसी तरह ए आई एन, ए आई एन जोड़ के कैप्टन, देखिए ए आई एन जुड़ा है, विलेन हो गया, ए आई एन जुड़ा, ई एन देखिए जुड़ा है, ई एन जुड़ा है यहाँ पे। तो इस तरह से वर्ड्स का निर्माण होता है। उसी तरह देखिए अदर नाउन सफिक्स में देख लेते हैं हम लोग, ए डी ई जैसे क्रूसेड हो गया, ब्रिगेड हो गया, या करकेड हो गया, देखिए कास्केड हो गया, कास्केड सॉरी। ए एल जोड़ के एनिमल हो गया, कैपिटल हो गया, अराइवल, ए एल जोड़ के देखिए बना है। ए एन टी लास्ट में कैसे जोड़ते हैं, मर्चेंट, ए एन टी जुड़ गया, टीनेंट हो गया, जाइंट हो गया, ए एन टी जुड़ा है। देखिए ए आर वाई या आर वाई जुड़ के डिस्पेंसरी हो गया, डाउनरी हो गया, सेलरी हो गया। तो इस तरह से वर्ड्स का निर्माण होता है। अब इसके बाद से पढ़िए, इसके बाद से आईसी जोड़ के कैसे बनता है, आईसी या की जोड़ के, देखिए लॉजिक, आईसी जुड़ गया, फिजिक, आईसी जुड़ गया, देखिए फिजिक क्यू, ये क्यू जुड़ गया। तो उसी तरह से देखिए एडजेक्टिव वाले कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो जुड़ के एडजेक्टिव वाले वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए ए एल, नेशनल, ए एल जुड़ गया लास्ट में, रॉयल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ए एल जुड़ा है लास्ट में, देखिए तो ये एडजेक्टिव हुए। उसी तरह से ए आर, देखिए न्यूक्लियर, ल्यूनर हो गया, सोलर हो गया, सर्कुलर हो गया। ए आर वाई जुड़ के नेसेसरी, कंट्रेरी, ऑनरी, देखिए एंट जुड़ के, ई एन टी जुड़ के, देखिए रेडियंट, ब्रिलियंट,
उसी तरह से एबल या इबल जुड़ के प्रैक्टिकल, ईडी जुड़ के लर्न हो गया मेमोर, ईएन जुड़ के देखिए वुडेन मतलब लकड़ी का बना हुआ, गोल्डन अर्थेन हो गया। उसी तरह आई सी क्यू देखिए रस्टिक यूनिक या पब्लिक, आई ई एन जी देखिए डिवाइन हो गया, मस्कुलिन हो गया फेमिनिन हो गया, आई एस जुड़ के बुकिश स्टाइलिश फुलिश ग्रीनिश, आई वी ई जुड़ के एक्टिव प्रोग्रेसिव, लेस जोड़ के जो हो गया सेंसलेस मीनिंगलेस हो गया, ओ यू एस जोड़ के जिसे फुल ऑफ मैंने भरा हुआ है ग्लोरियस क्यूरियस डेंजरस। उसी तरह वर्ब वाले देखिए ये ऐसे सफिक्स जो जुड़ के वर्ब वाले जो काम का बोध कराते हैं उस तरह के वर्ड्स का निर्माण कैसे होता है, ए टी ई जुड़ के या आई टी ई जुड़ के मेडिएट मतलब चिंतन करना, नोमिनेट एक्सपेंडी एक्सपेंडाइट इनवाइट। उसी तरह ई एन जुड़ के देखिए ब्रिटेन हो गया ब्राइटन हो गया लिस्टन हो गया लाइटन हो गया ब्रॉडन हो गया। उस तरह एफ वाई जुड़ के ब्यूटिफाई पेसिफाई सिंप्लीफाई फालसीफाई। उसी तरह आई आई ए सी या आई जे डी जोड़ के जिससे नेशनलाइज इक्विलाइज मोनोपोलाइज पेट्रोनाइज ये देखिए सिंपैथाइज सेरमोनाइज। उसी तरह सफिक्स जोड़ के एडवर्ब कैसे बनते हैं देखिए, एल वाई जोड़ के जैसे एवली एमलेसली ब्यूटीफुली ये एडजेक्टिव को दर्शा रहे हैं। उसी तरह प्रेजेंट टेंस को दर्शाने वाले अमेजिंगली लविंगली। उसी तरह पास्ट टेंस को डेवलप्ड ये पास्ट हो गया एल वाई जुड़ गया मिस्टेकन, यहाँ तक पास्ट हो गया एल वाई जुड़ गया मिस्टेकन। नाउन वाले जैसे डेली वीकली मंथली, सीई का मतलब होता है वंस ट्वाइस सीई देखिए लास्ट में सीई जुड़ा हुआ है। एस टी देखिए एडमिस्ट एमोंगस्ट एस डी जुड़ गया, टी एच ई आर जुड़ के हीथर हो गया थीथर हो गया विथर हो गया, देखिए वार्ड जुड़ के बैकवार्ड फॉरवर्ड ऑनवर्ड। तो इस तरह से वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है निर्माण हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मां सरस्वती।